वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई हार्टली कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जयशंकर प्रसाद शर्मा। टुडे आई हैव कम अप विद सम VVI क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ tan theta प्लस sin theta इज इक्वल टू m एंड tan theta माइनस sin theta इज इक्वल टू n, सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। इसका सोलूशन हम इस प्रकार करेंगे, हियर LHS इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, इसी को पहले लेते हैं। इसके बाद इसका वैल्यू जो दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, तो ये m के जगह पर इसी वैल्यू को डालेंगे, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस n का जो वैल्यू यहाँ दिख रहा है tan थीटा माइनस sin थीटा, तो इसको डालते हैं। तो इस तरह से हम tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, तो इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। ऐसा इसलिए हुआ कि एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो इसी फार्मूले के फॉर्म में आता है। और यहाँ चूँकि a के जगह पर tan थीटा है और b के जगह पर sin थीटा है, तो इसका फार्मूला जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab हुआ, तो उसी के अनुसार यहाँ 4 tan थीटा इंटू sin थीटा हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, फिर RHS को लेते हैं। तो RHS में देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है 4√mn, तो यहाँ भी लिखते हैं RHS इज इक्वल टू 4√mn। तो यहाँ m का वैल्यू जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, m का वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा है, इसको डाल दिए। फिर n का वैल्यू tan थीटा माइनस sin थीटा था, इसको डाल दिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, चूँकि ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और ये पहले 4 लगा है, तो उसको हम लगा के साथ में चलते रहेंगे। फिर अगले स्टेप में therefore 4√ sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा डाला गया है। फिर अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इसको यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 मान लेते हैं और इसका LCM लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा और ऊपर के पोर्शन में sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होगा। फिर अगले स्टेप में इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ देख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों में हम sin स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर यहाँ इस तरह लिखेंगे 4√ sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ से sin स्क्वायर बाहर हुआ तो इसके जगह पर 1 हुआ, और यहाँ से sin स्क्वायर बाहर होता है तो सिर्फ यहाँ अंदर cos स्क्वायर थीटा बचता है। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला sin स्क्वायर होता है, तो यही 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम यहाँ sin स्क्वायर डालते हैं। तो एक sin स्क्वायर बाहर था और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा ही होता है, तो इसलिए यहाँ sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे cos स्क्वायर थीटा जैसे वैसे ही चलेगा। फिर अगले स्टेप में लिखते हैं इक्वल टू 4√ sin 4 थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा यहाँ है और sin स्क्वायर थीटा यहाँ है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर sin पर पावर 4 थीटा होगा। फिर नीचे जैसे cos स्क्वायर थीटा है वैसे ही रहेगा। फिर अगले स्टेप में therefore
फोर रूट अंडर। अब इसको हम, ये साइन पावर फोर थीटा था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए करेंगे कि ये रूट को हटाने के लिए, रूट हटेगा और स्क्वायर भी साथ में हट जाएगा, रूट के कारण ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आता है, यहाँ भी रूट भी साथ में चला जाएगा और ये स्क्वायर भी जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा। तो फिर यहाँ जो फोर था वो फोर रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम दो भाग में बांटेंगे, तो लिखेंगे फोर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब फिर अगले स्टेप में इज इक्वल टू फोर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, इसलिए हम यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू टेन थीटा देते हैं। फिर इसी को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने पर होता है इज इक्वल टू फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम यहाँ देखे हैं कि एल एच एस में भी फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा आया हुआ है, और यहाँ आर एच एस में भी फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा ही आया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। जस्ट फॉर टुडे, शो अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।